जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं, और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। मुझे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी जी ओबीसियों के लिए खतरा है, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा है, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके एक देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे, ऐसे जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी। खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो, या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारत की संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस को एग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान।